हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द अनसाबन में। और आज की वीडियो में सबसे हम बात करने वाले हैं Xiaomi के नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है Redmi Go। प्राइस यहां पर बहुत कम रखा गया, 4,500 का, जिसके वजह से लोग सोच रहे हैं चलो इस डिवाइस को ले लेते हैं, हमारा ज़्यादा पैसा फंसने वाला यहाँ पर नहीं है। और वो यहाँ पर प्लानिंग कर चुके हैं और आज शायद वो ऑर्डर कर देंगे। पर ऑर्डर करने से पहले आप ये वाली वीडियो देख लो, आपके दिमाग से यहाँ पर सारा जो भी कचरा उस फोन के बारे में भरा हुआ है वो आज यहाँ पर निकल जाने वाला है। तो आप बने रहो हमारे साथ, देखते रहो आज का पूरा वीडियो। और एज जो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले को फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके सामने लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ घंटे को बजा देना। देखो भाई, Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना Redmi Go, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपये। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं भाई इतने कम प्राइस में हमें और क्या मिलेगा, हम चलो इसी फ़ोन को ले लेते हैं। और जहां तक बात है Xiaomi की, तो Xiaomi डिवाइस अब बढ़िया ही बनाता है। 4,500 में अगर हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला डिवाइस भी अच्छा ही होगा, घंटा अच्छा होगा, इसमें कुछ भी अच्छा है नहीं दोस्तों। अगर आप ले लेते हो तो बाद में आपको पछताना ज़रूर पड़ेगा। देखो भाई, ये वाला डिवाइस आपको मिल रहा है 4,500 रुपये में, पर अगर आप थोड़ा सा और पैसा लगाओ, करीबन और 500 रुपये लगाओ, तो Asus Zenfone Lite L1, जिसका प्राइस नॉर्मली 6,000 है, पर मैक्सिमम सेल के दौरान इसका प्राइस 5,000 हो जाता है। और अगर उस पर HDFC या फिर एक्सिस का अगर ऑफर अगर दे दिया गया तो वो आपको 4,500 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। मैंने भी अपने फादर के लिए Asus Zenfone Lite L1 ऑर्डर किया था, जो कि मुझे 4,500 में मिल गया था, और इससे वो फ़ोन मच बेटर है। क्यों बेटर है ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, इसका जो रैम रोम है वो 1 GB और 8 GB है, और Asus Zenfone Lite L1 का है 2 GB 16 GB, मतलब इससे बढ़िया है। अब इसका जो डिस्प्ले है वो 5 इंच का HD डिस्प्ले है, मतलब 16:9 वाला ये डिस्प्ले है, और उसका जो डिस्प्ले है वो 5.5 इंच का है, HD+ है, मतलब 18:9 वाला वो आपको डिस्प्ले मिल जाता है, HD+ डिस्प्ले मिल जाता है। अब बात यहाँ पर मेन चीज़ की करते हैं, जो कि हमारा प्रोसेसर है। देखो भाई, इसमें Redmi Go में हमें मिल रहा है स्नैपड्रैगन 425, जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। उसमें हम लोग को मिल रहा है स्नैपड्रैगन 430, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। मतलब प्रोसेसर के मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। आप ओवरऑल देख लो, बिल्ड क्वालिटी वगैरह हर चीज़ देख लेना, कैमरा वगैरह हर चीज़ देख लेना, हर केस में Asus Zenfone Lite L1 बेटर है। और अगर आप गलती से Redmi Go ले लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको पछताना ही पड़ेगा। ना बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, ना रैम रोम अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया है, ना ही डिस्प्ले अच्छा है, ना ही कुछ और चीज़ अच्छा है। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो Redmi Go, तो प्लीज़ मत लो, थोड़ा सा पैसा और लगाओ और सेल के दौरान सेल का वेट करो आप, और Asus Zenfone Lite L1 ले लो, इससे मच बेटर है। मैं यहाँ पर मैंने अपने फादर को दिया हुआ है और उस फ़ोन को मैं देख रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उस पर आप बहुत गेम भी खेल सकते हो। अगर आप इसके कंपेयर करो तो आप इवन Redmi का 6A जो स्मार्टफोन है उससे बेटर परफॉर्म करता है आपका Asus Zenfone Lite L1, जो कि आपको 5,000 रुपये में मिल जाता है। तो अगर आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं आ रहा है कि चलो भाई Redmi Go हम अपने लिए खरीदते हैं या फिर किसी घर के किसी मेम्बर के लिए खरीदते हैं, तो गलती से भी मत खरीदना। रैम रोम बढ़िया नहीं है, डिस्प्ले बढ़िया नहीं है, प्रोसेसर बढ़िया नहीं है, कैमरा भी बढ़िया नहीं है। पैसा थोड़ा भी पैसा अगर लग रहा है तो उसको बढ़िया से इन्वेस्ट करो, मतलब बढ़िया से खर्च करो, ताकि आपको एक बढ़िया सा चीज़ मिले। खाली कम पैसा में मिल रहा है Xiaomi का डिवाइस तो चलो ले लेते हैं, वैसा मत करना यार। हमने भी अपने फादर के लिए जो कि 4,500 में मिल गया, और बहुत ही अच्छा डिवाइस है Asus Zenfone Lite L1। अब बात है कि हमने अपना बात तो यहाँ पर आपको रख दिया, फाइनल डिसीजन तो आप ही को लेना है। देखो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एक बारी दोनों फ़ोन को देखो, आप खुद से कंपेयर करो कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, और थोड़ा सा वेट कर लो, जब Asus का सेल आता है तो वो वाला फ़ोन आप ले लेना, बहुत ही अच्छा डिवाइस वो है अगर आप उसे Redmi Go से कंपेयर करो तो। तो दोस्तों, बस मुझे लगा ये वीडियो आपके लिए बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि आज यहाँ पर Redmi Go का सेल है और बहुत से लोग इस फ़ोन को ख़रीदना ज़रूर चाहेंगे। तो चलो, हम कुछ लोगों को यहाँ पर सच्चाई यहाँ पर बता देते हैं कि आखिरकार ये फ़ोन को उन्हें क्यों नहीं खरीदना चाहिए और इस फ़ोन के बदले उन्हें कौन सा वाला फ़ोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके ही जाना। तो दोस्तों, मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।